हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टडी मटेरियल बाय डीएस में। और मैं हूं डीएस, आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नेबीएमआर अक्टूबर 2020 बैच के एग्जाम आपके चल रहे हैं और 5 फरवरी की शिफ्ट 3 का भी एग्जाम आपका कंडक्ट हो चुका है। और एक बार मैं फिर से हाजिर हूं एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को लेकर और एग्जाम का फुली एनालिसिस लेकर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि शिफ्ट 3 जो है आपकी थी, उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए और इस शिफ्ट वाले कैंडिडेट्स की बल्ले बल्ले हो चुकी है। तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और इस वीडियो में बताए गए क्वेश्चंस के अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके बता सकते हैं, वरना हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 9794339265, उस पर भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात और, अगर आपने बाकी नेवी डबल ए SSR 2, 3 और 4 फरवरी के सभी शिफ्टों के रिव्यू नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उसमें मिल जाएंगे। और 5 फरवरी की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके भी रिव्यू चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप भी वो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए देख लेते हैं कि 5 फरवरी की शिफ्ट 3 में कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रथम एयर मार्शल ऑफ इंडिया कौन है, यानी कि फर्स्ट एयर मार्शल ऑफ इंडिया कौन है। तो ये हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ठीक है, तो आपका जवाब था राकेश कुमार सिंह भदौरिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन था कि तेलंगाना की राजधानी क्या है। तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। क्वेश्चन था कि PSLV का फुल फॉर्म क्या है। तो PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला क्वेश्चन था कि हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर इंडिया, इंडिया में कितनी भाषाएँ हैं। अगर मुख्य भाषाओं की बात करें तो मुख्य भाषाएँ हैं 2, जो कि हिंदी और इंग्लिश है। और अगर बोली जाने वाली भाषाओं की बात करें तो आपकी हैं 122। अगर ऑप्शन में 121 था तो आपका 121 वाला ऑप्शन भी एकदम सही था। अगला क्वेश्चन था कि पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित हैं। तो पीवी सिंधु जो है वो आपकी बैडमिंटन से संबंधित हैं। 5000 रुपये की वस्तु को 4000 रुपये में बेचने पर हानि प्रतिशत क्या होगा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी पूछी थी, तो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी होती है द ऑस्ट्रेलियन डॉलर। कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर कौन सा है, तो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर है आपका दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कालचक्र समारोह किस धर्म से संबंधित है। तो कालचक्र समारोह जो है वो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। आनंद मठ के लेखक कौन है, तो ये हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो हैं वो आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं। त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है, तो ये सभी को पता होता है 180 डिग्री होता है। कॉमनवेल्थ 2018 कहाँ हुआ था, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था। ठीक है, CBI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसके 2 फुल फॉर्म होते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन था कि सूर्य मंदिर कहाँ है, तो सूर्य मंदिर जो है वो आपका इंडिया के उड़ीसा में स्थित है। डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है, तो डांडिया जो है वो आपका गुजरात का लोक नृत्य है। तो ये आपके क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। संघाई लोक नृत्य किस राज्य से है, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सिकंदर ने किस हिंदू राजा के साथ युद्ध किया था, तो इसका जवाब है पूरस, राजा पूरस। ये आपका एक सीरियल भी आता है, तो वहाँ से आपको ये याद आ जाना चाहिए था। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अयोध्या किस नदी पर स्थित है, तो अयोध्या जो है वो आपकी सरयू नदी पर स्थित है। और परमाणु के केंद्र के भाग को क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं नाभिक। ठीक है, नाभिक वो होता है जो परमाणु का केंद्र भाग होता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन था कि गुड फ्लिक्स किस खेल से संबंधित हैं, तो भारत की जूनियर हॉकी टीम के जो कोच हैं पूर्व, उनका नाम है गुड फ्लिक्स और ये आपके हॉकी से संबंधित हैं। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि अभी तक मुझे मिले। इसके अलावा कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, बाकी आप जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में कि वीडियो आपको पसंद आता है या नहीं। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।